नमस्कार दोस्तों, हम लोग बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश करंट अफेयर्स की। करंट अफेयर्स का लगभग मेरा 11वां 12वां लेक्चर होगा संभावित, हो सकता है 11वां या 12वां हो, डेट नहीं याद है। अभी जस्ट इसके पहले वाले क्लास में हमने डिस्कस किया था उत्तर प्रदेश के विशेष के बारे में, जो भी योजनाएं चलाई गई थी। हमने कहा था कुछ योजनाएं और भी चलाई गई होंगी, या फिर आप लोगों का कमेंट्स आया था कि सर बजट के बारे में कुछ बताइए। तो बजट में जहां से क्वेश्चन आने की संभावना है, उसको मैंने सोचा कि 5-10 मिनट में आपको एक्सप्लेन करने का प्रयास करूँ कि बजट कौन सा बजट है, पिछली बार से कितना ज़्यादा था या कितना घाटा है इस बार का, या फिर योजनाएँ किस किस क्षेत्र में लागू हुई हैं। सबसे पहले आप लोग बजट को देख के प्रेशर में दिमाग में लेते हो कि बजट में मुझे डाटा याद करना पड़ेगा, तो अपने दिमाग से इन चीज़ों को निकाल देना कि बजट में डाटा याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। मान लो कि हम बजट आपको पढ़ाएंगे, ठीक है, मान लो हम उत्तर प्रदेश का बजट आपको बता रहे हैं, ठीक है, बजट बताएंगे, तो आप पहले बजट के बारे में जो बेसिक्स हैं उसको पढ़ लो, ठीक है, उसके बाद बजट को छोटा कर लो। छोटा कैसे किया जाएगा, देखो पढ़ने का तरीका आपको बता रहे हैं। बजट को छोटा इस तरह किया जाएगा कि आप इसको सोचो कि बजट में, देखो बजट में एजुकेशन के लिए क्या है, इंफ्रा के लिए क्या है, ठीक है, हेल्थ के लिए क्या है, उसके बाद फिर हेल्थ के बाद वर्कर के लिए क्या है, वुमेन के लिए क्या है, इस तरह अपने आप 4-5 पॉइंट इसको डिवाइड कर लो। जिस दिन ऐसा करना सीख जाओगे, उस दिन बजट अपने आप आपको आसान लगना शुरू हो जाएगा। जैसे अभी हम ऐसे ही आपको बताएंगे, पहले तो बजट के बेसिक्स को देख लो थोड़ा सा, उसके बाद फिर हम ऐसे फ्रेमिंग करके आपको 2-3 लाइनें बता देंगे, आप अपने आप अपडेट कर लोगे जाके घर पे। जैसे बेसिक्स के बारे में बात करें तो आपको पता होगा इस बार बजट कब पेश किया गया था, फरवरी में। फरवरी में यूपी का 4था बजट था ये, देखना ये फैक्ट शुरू कर रहे हैं, यूपी का ये 4था बजट था, ठीक है, जो फरवरी माह में पेश किया गया, ठीक है। किसने पेश किया, राज्य मंत्री सुरेश खन्ना जी ने इस बजट को, राज्य मंत्री सुरेश खन्ना जी ने पेश किया, और ये राज्य का अब तक का सबसे बड़ा बजट था, ये भी याद रखना, राज्य का सबसे बड़ा बजट था अब तक का, ठीक है, यहाँ लिख लेना अब तक का सबसे बड़ा बजट था। अब पीसीएस है, डाटा पूछ सकता है, ठीक है, तो डाटा हमेशा करोड़ में मत याद करना, जैसे हम याद किए हैं 5, 12, 860, तो कोशिश करना बजट के डाटा को ऐसे ही याद करना कितने करोड़ रुपए। तो क्या हमने याद किया है, 5, 12, 860.72 लगा दो। ये बजट में इतने पैसे की बात की गई, इतने करोड़ रुपए की बात की, मतलब एक चीज़ याद रखना, हो सकता है ये मनी आपसे ना पूछे, ठीक है, बजट में कितने रुपए की बात की गई, ये आपसे, ये करोड़ रुपए है, ये आपसे ना पूछे, पिछले बार का कंपैरिजन करके पूछ सकता है कि 2019-20 के बजट से कितना करोड़ ज़्यादा है, तो 2019-20 के बजट से ये 33,159 करोड़ रुपये ज़्यादा है, ये डाटा याद रखना, 33,159 करोड़ रुपया ज़्यादा है पिछली बार से, ठीक है। अब आगे क्या, जैसे पूछता है कि ज़्यादा है, तो इस बार जो बजट का बे रखा गया, दो चीज़ें बजट में होती हैं, ठीक है, ये चीज़ याद रखना, इसी से सब कुछ मिलके बनता है। हो सकता है इकोनॉमिक्स पढ़ाया कोई तो आपको बताएगा, एक आय होता है एक व्यय होता है, ये जो बजट पेश किया जाता है ये अनुमानित व्यय होता है, ठीक है, अनुमानित व्यय होता है और एक अनुमानित आय होती है। तो आय में कहा गया कि जो इस बार हमारी आय होगी वो 558, मतलब देखना, ध्यान देना, 558 इस टाइप का, मतलब 0.32 ऐड कर लेना, ठीक है, इतने करोड़ रुपए की आय का अनुमानित है। अब देखिए, अब आप, ये आय है और ये क्या है, व्यय है। अब अगर आप इस चीज़ को उसमें घटाएंगे तो घाटा हो रहा है हमें ना, मतलब 12,302 करोड़ रुपए घाटे का बजट हो रहा है इस बार, याद रखना 12,302 करोड़ रुपए घाटे का बजट इस बार का है, ये चीज़ याद रखना। आप सोचोगे घाटे का बजट कैसे, तो मैंने बताया आय व्यय होता है, इतनी अनुमानित आय है हमारी, लेकिन व्यय हम इतना कर रहे हैं, व्यय इतना कर रहे हैं, तो हम क्या हुआ, व्यय को, व्यय में से आय को निकालेंगे तो क्या होगा, बच रहा है तो घाटा होगा, नहीं बच रहा है तो क्या होगा, वो लाभ का बजट होगा, ठीक है, इतना तो समझ में आ गया होगा। डाटा याद हो गए, घाटा याद हो गया,
ठीक है, तो इसी को बोलते हैं इस बार बजट का घाटा कितना है ना, बोलते नहीं है कि वित्तीय घाटा कितना है, तो वित्तीय घाटा, बजट घाटा, ठीक है, तो याद रखना, जैसे वित्तीय घाटा नोट कर लो, अगर इसका डाटा पूछेगा तो क्या करोगे, इसका डाटा पूछेगा तो कोशिश करना ऐसे ही याद रखने का प्रयास करना, जो इस बार वित्तीय घाटा है वो 53,195 करोड़ रुपए का है, 53,194 करोड़ रुपए का है। इस फैक्ट को कुछ अपना आइडिया बना के याद किया करना कि फंसा सकता है आपको, जैसे हमने तो याद है, हमें बाद में फोर है तो फोर हम देख लेते हैं, फोर है चलो सिक्स कर दिए, ठीक है, तो कुछ ना कुछ तरीका अपना के याद करना, कोशिश करना कि डाटा याद नहीं होते हैं आपको भी, हमें भी यही समस्या है, लेकिन किसी तरह दिमाग में बैठा के याद करने का प्रयास कर रहे हैं। ये जो घाटा होगा वो जीडीपी का 2.97% है, 2.97% है। क्वेश्चन क्या पूछेगा, इस बार का वित्तीय घाटा कितना अनुमानित किया गया है, 2.97 का है। और एक चीज और पूछ सकता है आपसे, याद रखना कि कर्ज जीडीपी का कितना है, कर्ज जो है, कर्ज जीडीपी का कितना है, तो ये याद रखना कर्ज जीडीपी का 28.8% है, ये जीडीपी का 28.8% हमारा कर्ज है। ये तो हो गई मूल बेसिक्स अवधारणाएं। अब जिसमें आप लोग परेशान होते हो कि हमें याद कैसे होगा, हमने आपको भी बताया ना कि जैसे बजट में प्रमुख योजनाओं के बारे में बजट पेश किया जाता है, बजट में एजुकेशन सेक्टर के लिए, स्वास्थ्य सेक्टर के लिए, इंफ्रा के लिए, वर्कर के लिए, कामगार के लिए, आवास के लिए, बहुत सारी योजनाओं के लिए बजट पेश किया जाता है, तो उसको बजट में एक साथ लिखा जाता है, तो आप उसको निकालने का प्रयास करना घर पे जाके। कैसे, जैसे देखिए डायग्राम बनाना कुछ इस तरह का, देखना कि शिक्षा पर कहाँ खर्च किया जा रहा है, स्वास्थ्य पर कहाँ खर्च किया जा रहा है, ठीक है, इंफ्रा पर कहाँ खर्च किया जा रहा है, आवास के लिए कहाँ खर्च किया जा रहा है, महिलाओं के लिए क्या क्या योजनाएं लाएगी, कहाँ खर्च किया जा रहा है, एक पेज में सारे बजट का आपका डाटा तैयार हो जाएगा और आप आसानी से सारे के सारे बजट को एक पेज में पढ़ के एग्ज़ाम देने चले जाओगे, ठीक है। इस तरह के माइंड मैप बनाने का प्रयास करिए। जैसे कि बजट में एजुकेशन के लिए एक योजना की बात की गई थी, युवा उद्यमिता विकास, और दूसरी योजना और थी मुख्यमंत्री प्रशिक्षु या मुख्यमंत्री शिक्षण प्रोत्साहन योजना, दोनों का नाम याद रखना, एजुकेशन की बात कर रहे हैं, मुख्यमंत्री प्रशिक्षु ही रहेगा, ठीक है, प्रोत्साहन योजना, ठीक है, ये हो गया। और दूसरी योजना हमने क्या बताया, युवा उद्यमिता विकास, देखना बजट में एजुकेशन के लिए इसकी बात की गई, ठीक है, इसके लिए फंड दिया गया, इसका उद्देश्य क्या है, इसका उद्देश्य है कि सूक्ष्म लघु मध्यम दर्जे की औद्योगिक इकाई में ऑन जॉब ट्रेनिंग की सुविधा मुहैया कराना, और उस ट्रेनिंग के दौरान, ठीक है, याद रखना ऑन जॉब ट्रेनिंग की सुविधा कराना, मतलब जॉब में होते हुए भी ट्रेनिंग देना, और इस ट्रेनिंग के दौरान 2500 रुपए सरकार देगी, जिसमें से 1500 सेंट्रल गवर्नमेंट देगी और 1000 स्टेट गवर्नमेंट देगी। ये चीज़ याद रखने की ज़रूरत है। अब समझ में आया कि हम बताना क्या चाहते थे। और जैसे अगर और भी इंक्लूड करोगे तो इसमें क्या कहते हैं, 7 नए विश्वविद्यालय खोले जाने की बात कही गई है कि उत्तर प्रदेश में 7 नए विश्वविद्यालय खोले जाएंगे, ठीक है, तो इस तरह की चीज़ों को आप याद रखो। जैसे कह दिया गया बजट में कितने विश्वविद्यालय खोले जाने की बात की गई, तो बजट में कितने विश्वविद्यालय खोले जाने की बात की, 7 नए विश्वविद्यालय खोले जाने की बात कही गई है। अब आगे देखिए स्वास्थ्य के बारे में, बस इसके बारे में इतना ही है, याद रख के जाइए, इतना एनफ है स्वास्थ्य के बारे में। स्वास्थ्य के बारे में अगर आपको बताएं, इसके नीचे लिखिएगा आयुष विश्वविद्यालय जो है, और उसके बाद जो अटल बिहारी चिकित्सीय विश्वविद्यालय है उसका बजट में नाम लिया गया है, ठीक है, दोनों का नाम याद रखना है, आयुष विश्वविद्यालय और अटल बिहारी चिकित्सीय विश्वविद्यालय।
बजट में इन दोनों विश्वविद्यालय का नाम लिया गया है और इनको फंड की सुविधा कराने का प्रावधान किया गया है और 13 नए मेडिकल कॉलेज की स्थापना करने की बात की गई है। 13 नए मेडिकल कॉलेज की स्थापना करने की बात कही गई। इसके लिए कितना 15,690 करोड़ रुपए दिए गए हैं। देखो 15,690 करोड़ स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए दिए गए हैं, जिसमें दो तरह की सुविधाएं होती हैं, एक स्वास्थ्य होती है और एक चिकित्सीय होती है। दोनों में डिवाइड कर दिया गया 9,230 करोड़ स्वास्थ्य के लिए है, ठीक है, 9,230 स्वास्थ्य के लिए है और 6,460 करोड़ रुपए जो है चिकित्सीय सुविधा के लिए देने की बात की गई है। ठीक है, आगे देखिए। अब देखो एक डायग्राम में सारी चीज़ें जो इम्पॉर्टेंट है, जो आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, वो होता चला जा रहा है ना, क्लियर होता चला जा रहा है। जैसे कि देखिए तीसरा पॉइंट हमारा इंफ्रा, ठीक है। इंफ्रा में क्या किया गया है, इंफ्रा में 5 एक्सप्रेस वे, ठीक है, परियोजना बनाने की बात कही गई है। देखना सबसे पहले 5 एक्सप्रेस वे परियोजना बनाने की बात की गई है, इसके लिए 5,060 करोड़ रुपए देने की बात की गई है। खैर पैसे को मत याद रखना, लेकिन ये याद रखना 5 एक्सप्रेस वे की योजना, जो मेरठ से प्रयागराज तक गंगा एक्सप्रेस वे है उसको भी फंड देने की बात की गई है। मेरठ से प्रयागराज, इसी का नाम क्या है, गंगा एक्सप्रेस वे नाम रखा गया है, ठीक है, इसको भी फंड देने की योजना में बजट में बात की गई है। और देखो गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे, ठीक है, के दोनों ओर कॉरिडोर बनाने की बात की गई है, उसके लिए 200 करोड़ रुपया दिया गया है। जो गोरखपुर एक्सप्रेसवे है उसके दोनों ओर क्या है, कॉरिडोर बनाने की बात की गई, दोनों ओर 200 करोड़, एक ओर का 100 करोड़, एक करोड़, ऐसे याद कर सकते हो, मज़ा ले रहे हैं, ठीक है। और देखो अभी ग्रेटर नोएडा में जस्ट हमने पिछली योजना में जेवर के बारे में बताया, जेवर एयरपोर्ट के बारे में बताया, जो देश का पहला ग्रीन एयरपोर्ट होने जा रहा है, ठीक है, तो उसके लिए भी फंड देने की बात की गई, कितना 2,000 करोड़ रुपए। अयोध्या में एयरपोर्ट की स्थापना करने की बात की गई, उसके लिए 500 करोड़ रुपए देने की बात की गई। 5 शहरों में मेट्रो की बात की गई, ये याद रख, ये नोट करा दे रहे हैं, 5 शहरों में मेट्रो की बात की गई, नोट कर लीजिएगा, जिसमें इलाहाबाद है, गोरखपुर है, बनारस है, मेरठ है, झांसी है, ठीक है, इलाहाबाद, गोरखपुर, मेरठ, झांसी, ठीक है, और क्या है, बनारस। अब देखो चीज़ें एक जगह आ गई कि नहीं, इंफ्रा की चीज़ें एक जगह मैंने रख दिया उठा के, अब इंफ्रा में आप ऐड कर लो कि 10,700 नए मेगावाट विद्युत की स्थापना करने की बात की गई है, कितना हम प्रदेश की क्षमता को बढ़ावा देंगे, जैसे बुंदेलखंड जोन में 4,000 मेगावाट की सौर ऊर्जा की बात की गई, जो एनर्जी ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर होगा, ठीक है, ये भी याद कर सकते हो आप, 4,000 मेगावाट की बात की गई कहाँ पे, बुंदेलखंड जोन में, जो ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर होगा। तो इस तरह की चीज़ों को आप एक जगह उठा के रख लो ना, आपको दिक्कत कहाँ आएगी, आपका सारा का सारा समस्या जो है समाधान एक जगह हो जाएगा। जैसे जैसे कि आवास में अगर हम बात करें तो देखो, तो आप लोग मेहनत नहीं करना चाहते हो, अगर मेहनत करने का प्रयास करोगे तो इन सारी चीज़ों की समस्याएं आपकी सॉल्व हो जाएगी। थोड़ा सा मेहनत करोगे एक दिन के लिए तो आपको हमेशा के लिए बार बार पढ़ना नहीं पड़ेगा। आवास के लिए क्या है, पीएम आवास योजना, उसमें पैसे देने की बात की गई। पीएम आवास योजना में कहा गया कि 5,00,000 आवासों का निर्माण करेंगे हम, ठीक है, कितने आवासों का, 5,00,000 आवासों का। अब बढ़ावा किस योजना को दे रहे हैं, पीएम आवास योजना को, अगर इसके लिए पैसे पूछता है तो लिख देना 6,240 करोड़ रुपए, ठीक है, 6,240 करोड़ रुपए इसके लिए देने की बात की गई। अब जैसे स्वच्छ भारत अभियान, स्वच्छ भारत मिशन की बात की गई, उसमें मेंशन है उसके लिए पैसे देख के जाना। गोरखपुर भदोही में पशु चिकित्सा महाविश्वविद्यालय का प्रस्ताव रखा गया है, ये याद कर लेना, गोरखपुर भदोही में पशु चिकित्सा महाविद्यालय की बात की गई है, इसको भी याद करके जाना। या फिर अन्य फैक्टों में
जैसे राज्य को कहा गया है, जैसे मान लो क्वेश्चन पूछा कि उत्तर प्रदेश को इस बजट में कितने ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने की बात की गई है, तो उत्तर प्रदेश को इस बजट में 1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने की बात की गई है। ठीक है, ये याद रखना, 1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने की बात की गई है। ठीक है, या फिर कहा गया है कि इस बार आबकारी शुल्क में बढ़ोतरी होगी, 37,500 करोड़ रुपये इस बार आबकारी से आएंगे। 37,500 पढ़ते नहीं हो बजट में, रुपया आता है और रुपया जाता है, आने वाला कहाँ से ज़्यादा है, जाने वाला कहाँ से ज़्यादा है। तो आने वाले की बात की गई है कि अनुमानित 37,500 करोड़ रुपये इस बार आबकारी शुल्क से आएगा। ठीक है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे आपसे पूछता है कि इस बार का राजकोषीय घाटा कितना है, तो राजकोषीय घाटा 2.97% है, लगभग 3 के है। तो इन सब चीज़ों को याद रखना, 2.97% है इस बार का राजकोषीय घाटा। तो हमने एक जनरल व्यू दिया आपको पढ़ने का, थोड़ा बहुत डाटा आपको बताया, से बताने का प्रयास किया पढ़ा पढ़ा के कि आप ऐसे चीज़ों को मेंशन कर सकते हो, इस तरह का फ्रेम बनाओ अपने घर पे, महिलाओं के लिए, आवास के लिए, शिक्षा के लिए, हर चीज़ों के लिए एक डायग्राम बनाओ, उसी के नीचे मेंशन करते चले जाओ। वादा करते हैं बजट से जो भी क्वेश्चंस आएंगे आपके कभी गलत नहीं होंगे। तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए, लगातार आपको हम करंट के माध्यम से आपके एग्ज़ाम में क्या कहते हैं सफल बनाने का प्रयास कर रहे हैं, और आशा करते हैं कि आपको ये पसंद आ रहा होगा। धन्यवाद।